अभी कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में एक क्वेश्चन के आंसर में ऐसा कुछ बोला। क्या बोला वो देखते हैं। शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों को ये लोग गाली देना, आप उसमें दांव लगा दीजिए साहब, अच्छा ही होगा। तो ऐसा बोलने का सीधा सीधा एक इंडिकेशन था कि जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं और स्पेशली जो PSU बैंक्स हैं, उनमें एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करने की संभावनाएं हैं आगे आने वाले 5-8-10 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। जो PSU बैंक्स हैं और जो सरकारी कंपनीज हैं, किसी कंपनी का नाम लेना नहीं चाहूँगा मैं यहाँ पे, बट उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट एक अच्छी तरह से रिटर्न दे सकता है, ये पॉइंट बोलने की कोशिश की गई थी। मोदी ने ऐसा कोई स्टॉक का नाम नहीं लिया और ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस भी नहीं दी, पर उससे हमको क्या समझ में आता है कि जो PSU कंपनीज हैं या PSU बैंक स्पेशली, जो मुझे समझ में आता है PSU बैंक्स, वो आगे चल के एक अच्छा इन्वेस्टमेंट, एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। ये हम देख भी सकते हैं कि जब उन्होंने ये स्पीच दी थी, उसके बाद से जो बैंक्स हैं, PSU बैंक खासतौर से, लगभग 10-15% वो चढ़ गए हैं। लेकिन ये तो एक बहुत शॉर्ट टर्म में बात हुई, बट अगर हमें लॉन्ग टर्म में देखना है तो PSU बैंक एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है जिसमें हमें एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। बट PSU बैंक्स तो बहुत सारे हैं और अगर पीछे की हिस्ट्री देखते हैं तो PSU बैंक ने बहुत अच्छा रिटर्न अभी तक नहीं दिया है, तो लोग डर जाते हैं, लगता है यार PSU बैंक क्या देंगे हमारे पास, जबकि और अपॉर्चुनिटीज़ हैं लाइक प्राइवेट बैंक्स हैं, HDFC बैंक, ICICI है, कोटक जैसे बैंक, तो हम उनमें क्यों ना इन्वेस्ट करें, हम PSU बैंक्स में क्यों इन्वेस्ट करें। सोचना ठीक है, लेकिन क्या आगे आने वाले समय में जो कि गवर्नमेंट की जो नीतियाँ हैं, जितना डिजिटल बैंकिंग को प्रमोट किया जा रहा है, क्या उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम PSU बैंक में कोई इन्वेस्टमेंट की जो अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, और अगर देख सकते हैं तो वो कौन से बैंक्स हैं जिनमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं शॉर्ट मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लगभग 2-3 साल या 5 साल के लिए अगर हम एक इन्वेस्टमेंट करना है तो हम देख सकते हैं। ऐसे ही एक बैंक के बारे में मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। थोड़ा लंबा वीडियो होगा क्योंकि उसकी पूरी फंडामेंटल एनालिसिस एंड देन उसमें चार्ट में वो कैसा दिखता है इस बारे में हम पूरा देखेंगे। तो चलिए उस बैंक के बारे में जानते हैं। बैंक जिस बैंक की मैं बात कर रहा हूँ वो बैंक है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक के चलिए सबसे पहले हम चल के देखते हैं उसके फाइनेंशियल कैसे हैं, वो बुक्स पे कैसा दिखता है, और कंपनी की यानी बैंक की फ्यूचर ग्रोथ की क्या प्रॉस्पेक्ट्स देखते हैं, वो क्या अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, वो अपने बैंकिंग को डिजिटलाइज करने के लिए क्या करते हैं, इस बारे में समझते हैं और फिर हम देखेंगे चार्ट पे कैसे दिखता है। कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये मैंने अपने लिए एक एनालिसिस करी है। PSU बैंक्स बहुत सारे हैं, उनमें से कौन सा बैंक मुझे बेटर दिखता है उस पर मैंने एनालिसिस करी और कई सारे फैक्टर्स को कंपेयर करके मैंने इस फाइनल डिसीजन पे आया हूँ कि ये एक बैंक है जो मुझे बेटर प्लेस दिखता है रादर देन अदर PSU बैंक। तो चलिए कैनरा बैंक के बारे में देखते हैं, उसकी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं क्या ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है या नहीं। तो अगर कैनरा बैंक को देखेंगे तो जो इसका करंट मार्केट प्राइस 372 पे चल रहा है, अगर इसका मार्केट कैप देखें तो लगभग 67,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये एक लार्ज कैप कंपनी है, इसने अपना हाई 377 का 52 वीक्स का हाई है, बुक वैल्यू इसकी 430 है, स्टॉक का पी 5.27 है, और अगर हम इंडस्ट्री का पी देखें एवरेज पी 14.8 है, तो ये अभी भी अपनी इंडस्ट्री पीई से लगभग 3 गुना कम पे चल रहा है, तो इसमें बहुत अच्छा स्कोप है ऊपर जाने का। अगर इसका EPS देखें तो 70 रुपीज़ का EPS चल रहा है, 5 साल की जो प्रॉफिट है 37% है, प्रमोटर्स होल्डिंग लगभग 63% है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रमोटर्स होल्डिंग होती है। ROE और ROCE भी देखें तो बहुत अच्छा है, 5 साल की जो सेल्स है 15% से ग्रो कर रही है, डेट टू इक्विटी 15.8 है, 15.8 बहुत ज़्यादा लग रहा होगा डेट, लेकिन बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डेट टू इक्विटी 15.8 बहुत अच्छा होता है, बैंक्स में ऑलमोस्ट 20-25% का भी डेट टू इक्विटी होता है। तो ये अपलेस्ट इसमें कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। कैनरा बैंक का बेसिक देखें 1906 में मैंगलोर में ये फाउंड किया गया था, और उसके बाद ये अक्रॉस इंडिया इसके बहुत सारे जो ATMs हैं और ब्रांचेस हैं कैनरा बैंक के, तो ये एक नेशनलाइज बैंक है कैनरा बैंक। तो अगर प्रॉफिट लॉस या कैनरा बैंक के जो फाइनेंशियल देखें तो उसमें देखेंगे तो पिछले 5-6 साल में अगर आप देखें तो 2017 इसका जो प्रॉफिट, इसका जो रेवेन्यू था लगभग 41,000 करोड़ था, और अब इसका रेवेन्यू लगभग डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। सेम अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो जो प्रॉफिट था वो 1750 करोड़ के आसपास था, जो कि अब 16,000 लगभग 10 गुना हो चुका है प्रॉफिट। EPS की अगर बात करें तो EPS जो लगभग 22.74 थी वो अभी लगभग
लगभग लगभग तीन गुना से ज़्यादा हो चुकी है। मैं 2017 लेके क्यों चल रहा हूँ, क्योंकि 2017 से लेके 2023 अभी चल रहा है, तो लगभग 5-6 साल का पीरियड ले रहा हूँ, और इसी 5-6 साल के पीरियड में हमको देखना है कि ये स्टॉक हमें कैसा रिटर्न दे सकता है। अगर हम देखा है तो पिछले 10 साल में जो ग्रोथ हुई है लगभग 14% की हुई है, 5 साल की ग्रोथ 37% की प्रॉफिट ग्रोथ हुई है, जो CAGR है 10 साल का सिर्फ 5% रहा है, लगभग 3 साल में लगभग 56% का CAGR इसने इस बैंक ने दे दिया है। अब अगर इस बैंक को इसके जो कंपैरिजन किया जाए, जो बैंक के जितने पीयर हैं, यानी इसके जो और भी पीयर से स्टॉक्स हैं, क्या वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं कैनरा बैंक के कंपैरिजन में, तो उनके बारे में हम देखते हैं कि वो कैसे दिख रहे हैं यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे अदर बैंक्स को देखूँ, तो सब हम इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को निकाल देते हैं, बिकॉज मैं इसको PSU बैंक का मानता हूँ, ये ठीक है, ये एक अच्छा स्टॉक है। तो अगर किसी को आंख बंद करके PSU में इन्वेस्ट करना है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। बाकी जो बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, IOB, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, यूको बैंक, अगर इनमें देखा जाए तो कुछ फैक्टर्स को कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले मार्केट कैप के देखते हैं, मार्केट कैप के हिसाब से ये कैनरा बैंक की मार्केट कैप अभी लगभग लगभग यूको बैंक से ऊपर है, बाकी सारे बैंक से बहुत ही कम है, यानी मार्केट कैप को बढ़ने के चांस बहुत ज़्यादा है। क्यों बढ़ने के चांस ज़्यादा है, उसका रीज़न ये है कि कैनरा बैंक का जो PE है वो इंडस्ट्री वाइड सबसे कम है। आप किसी भी बैंक का उठा लें, बैंक ऑफ बड़ौदा का 6.46, IOB का 39%, पंजाब नेशनल बैंक 19% है, यूनियन बैंक 7.1%, यूको बैंक 28%, ये PE सबसे कम है, और इंडस्ट्री का PE लगभग 14.7 है। तो लगभग यहाँ पे मुझे 3x का मिलता है PE, जो ग्रो कर सकता है, 3x तक ग्रो करने का पूरा चांस रखता है। अब दूसरा आ जाते हैं सेल्स में, PE इसका कम है, लेकिन अगर सेल्स वाइज आप देखेंगे, इंडियन ओवरसीज बैंक की सेल्स, पंजाब नेशनल बैंक की सेल्स, यूनियन बैंक, कोई भी बैंक की सेल्स उठा लें, कैनरा बैंक की सेल्स बहुत ही बढ़िया है। पिछले 5 साल में जो सेल्स ग्रोथ हुआ है 15% का हुआ है, पंजाब नेशनल बैंक का 12% है, IOB 1.61, यूको बैंक 4.7, बैंक ऑफ बड़ौदा लगभग 15% पे दिया है। प्रॉफिट अगर देखें तो बैंक, बाकी प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैनरा बैंक अपने पीयर में बहुत ही बढ़िया है, 37% का प्रॉफिट पे है। उससे ज़्यादा अगर इसकी बुक वैल्यू देखें तो बुक वैल्यू ये लगभग 0.87 है, यानी अपनी बुक वैल्यू से भी लगभग 12-15% कम चल रहा है। बुक वैल्यू वो होती है जो एक स्टॉक की एक्चुअल प्राइस बताता है, कि वो अपने रेवेन्यू, अपने फंडामेंटल, अपने प्रॉफिट, अपने इंटरेस्ट, इन सब के बेसिस पे उसकी क्या वैल्यू निकल के आती है, वो एक बुक वैल्यू होती है। और बुक वैल्यू के हिसाब से ये अपनी बुक वैल्यू से नीचे चल रहा है, लगभग 430 रुपये इसकी बुक वैल्यू है और करंट प्राइस 370 रुपये, तो लगभग 15% का ग्रोथ बुक वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से तो दिखता ही दिखता है यहाँ पे। और अगर EPS देखें, PE सबसे कम है और EPS इसका सबसे ज़्यादा है, यानी अर्निंग पर शेयर सबसे ज़्यादा है, तो ये स्टॉक अपने पीयर के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दिखता है, और इसमें एक बहुत अच्छे ग्रोथ की उम्मीद है, क्योंकि इसका PE बहुत कम है, EPS बहुत बढ़िया है, बुक वैल्यू अभी भी 15% बुक वैल्यू के हिसाब से दे रहा है। तो अभी तक तो हमने देखा कि जो कैनरा बैंक है उसके फंडामेंटल्स जो परफॉर्मेंस के बेसिस पे क्या निकल के आते हैं, अब देखते हैं मैंने कंपनी की जो 2022-2023 की एनुअल रिपोर्ट है उसको डाउनलोड कर लिया, ये 1 जून की रिपोर्ट है, इसके बेसिस पे देखते हैं कंपनी का जो मैनेजमेंट है या बैंक का जो मैनेजमेंट है वो कंपनी की ग्रोथ कैसे देखता है, उसमें क्या क्या देखता है, उसमें क्या नई चीज़ें ऐड होने वाली, क्या वजह होगी जो कंपनी का जो PE है वो एक्सपेंड करेगा, उसका प्राइस बढ़ेगा, इस वजह से उसके प्रॉफिट और उसके जो सेल्स ग्रोथ है वो बढ़ेगी और एक अच्छा रिटर्न मिलने की संभावनाएं हैं। तो अगर देखें तो वो सारा इन्होंने डाल रखा है जो मैंने आपको वहाँ पे दिखाया कि क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो कंपनी का जो टारगेट है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो लगभग लगभग 13.73% ईयर ऑन ईयर की उन्होंने ग्रोथ दिखाई है, अब अगर इसी बेसिस पे देखें तो उनका कंपनी का जो टारगेट है वो क्या है, कंपनी फ्यूचर में क्या करने की चाहती है, तो सबसे पहली चीज़ कंपनी देख रही है प्रायोरिटी सेक्टर एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, वो अपने जो कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं उनके लिए नई नई स्कीम्स लेके आ रही हैं, जो नए नए इनिशिएटिव कंपनी ले रही है, बैंक ले रही है, वो क्या ले रही है, सबसे पहले वो देख रही है उन्होंने एक सिग्निफिकेंट स्टेप टूवर्ड डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू पे ही जो भी बैंक्स हैं वो आगे ग्रोथ करेंगे। तो कैनरा बैंक ने कैनरा AI1 करके एक मोबाइल बैंकिंग ऐप निकाला है और वो
उसमें 250 प्लस फीचर्स डाले हैं, उसका रिस्पांस बहुत अच्छा जा रहा है। ट्विटर पे आप जाके कैनरा बैंक के हैंडल पे देख सकते हैं कि एआई बैंक एआई जो कैनरा एआई है उसके लिए क्या रिस्पांस आ रहा है। दूसरा अगर हम देखें तो कंपनी क्या करती है, कंपनी कह रही है कि जो की इनिशिएटिव उन्होंने इम्प्लीमेंट करे हैं वो उनका कासा जो पेरोल अकाउंट है, जो कॉर्पोरेट अकाउंट होते हैं उनको इंक्रीज कर रहे हैं, और जो उसके साथ उन्होंने टर्म लाइफ इंश्योरेंस को फ्री कराया हुआ है, तो वो एक ल्यूक्रेटिव ऑफर भी दे रहे हैं बैंकिंग सेक्टर के जो कंपनीज हैं या बैंकिंग सेक्टर जो अपने अकाउंट्स खुलाते हैं जो कॉर्पोरेट, उनके लिए एक स्कीम भी दे रहे हैं। तो इस तरह से कंपनी का जो फ्यूचर है, कंपनी की जो मैनेजमेंट बोल रही है वो काफ़ी अच्छा प्रॉस्पेक्ट दिखा रही है कि आने वाले टाइम में जो कैनरा बैंक है वो और अच्छा परफॉर्म कर सकता है, थोड़ा आउट परफॉर्म भी कर सकता है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल स्टफ ऑफ बिजनेस। तो अब चल के देखते हैं कि चार्ट पे कैनरा बैंक कैसा दिखता है, कि इसमें क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो कैनरा बैंक का अगर चार्ट देखें तो मंथली कैंडल पे मैंने कैनरा बैंक का चार्ट लगाया, और अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी ट्रेंड लाइन एनालिसिस करूँ, एक बेसिक ट्रेंड लाइन एनालिसिस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेके देखूँ, तो एक बहुत बढ़िया इसमें चार्ट एनालिसिस निकल के आता है। अगर मैं यहाँ पे कुछ ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, थोड़ा सा ये ऐसा लगेगा बहुत सारी लाइंस हैं, बट इसमें बहुत एक बढ़िया एनालिसिस छुपी हुई है, उसको देखते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आप देखें कि कैनरा बैंक अभी 371 के लेवल पे, 372 इसने कल का क्लोजिंग प्राइस दिया है। ये 371 लेवल लास्ट टाइम हमें देखने को कब मिला था, लास्ट टाइम हमें देखने को मिला इस लेवल पे कंसोलिडेट हो रहा था लगभग 2017-2018 के पास का है वो लेवल। तो लगभग 5 साल बाद अपने उस लेवल को क्लेम कर रहा है। अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये लेवल हर बार यहाँ पे कंसोलिडेट करता है कैनरा बैंक 372 के लेवल के आसपास, जो कि मंथली कैंडल पे बता रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें कैनरा बैंक में, मैंने ये एक रेड कलर के एक रेजिस्टेंस लाइन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन क्या है, ये रेजिस्टेंस इसके हाई को ब्रेक करती है, हाई से लेके आ रही है नीचे तक। अब इस लेवल पे ही इसने सपोर्ट किया क्योंकि इसका रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को भी ये ब्रेक करके, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को ब्रेक करके कंसोलिडेट किया और ऊपर जा रहा है। अब ऊपर जाने के बाद ये इस, अब कई सारे मैंने चैनल बना रखे हैं, एक चैनल ये है, एक चैनल ये है, एक ये चैनल है और एक ये चैनल है। तो अगर आप देखें कि कैनरा बैंक लगभग चैनल में चलता है अपने, अगर इस चैनल की बात करें तो इस चैनल में अगर कैनरा बैंक को देखें तो कई बार ये इस चैनल के ऊपर नीचे करता रहता है, और जब ब्रेक करता है तो अगले एक चैनल में फंस जाता है, वो ये चैनल है। यहीं पे ये गया, यहाँ पे इसने ब्रेक करा, उसके बाद ये इस चैनल में आ गया, इस चैनल को ब्रेक करके इस चैनल में ट्रेड करा। अब अगर इसी को देखा जाए तो इस चैनल पे कंसोलिडेट करने के बाद इस चैनल पे गया और इस चैनल पे कंसोलिडेट कर रहा था, और फिर इसको यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर चला गया। अब उम्मीद ये की जा सकती है क्योंकि ये इस रेड लाइट लाइन के ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा है, ऊपर गया है, इस चैनल में कंसोलिडेट किया है, ऊपर गया है, इसको ब्रेक करके 372-371 का जो लेवल था उसको ब्रेक करके अभी ये गया, अभी भी महीना ख़त्म होने में टाइम बाकी है, तो हम देखेंगे क्या परफॉर्मेंस निकलती है। अगर ये 372-375 के ऊपर क्लोजिंग देता है मंथली बेसिस पे, तो ये इस चैनल में ट्रेड करना शुरू हो जाएगा, जिस चैनल का हाई 408 रुपए का है, लगभग 410 रुपए का हाई है। तो यानी कि 375 से लेके 410 के बीच में इसकी एक मूवमेंट होती है इस चैनल के पॉइंट ऑफ व्यू से, हो सकती है लगभग, हो सकता है 1-2 महीना ये इस लेवल में ट्रेड करें। तो कोई अगर शॉर्ट टर्म के लिए इसमें ट्रेड लेना चाहता है तो 375 के ऊपर वीकली बेसिस पे इसमें एक ट्रेड लिया जा सकता है, बनता है एक ट्रेड, जो कि लगभग 390-400 के आसपास का एक इसमें टारगेट मिल सकता है। अब अगर वीकली कैंडल पे मैंने लगा के देखा है कैनरा बैंक को, तो कैनरा बैंक में एक चार्ट पैटर्न बनता है वीकली कैंडल पे। वो क्या चार्ट पैटर्न बनता है, अगर मैं इस लेवल को देखूं तो इस लेवल पे जो कैनरा बैंक है आप उसमें देख सकते हैं कि ये लगभग एक इसने कप एंड हैंडल वाला फॉर्मेशन बनाने की कोशिश की और इस लेवल को ब्रेक करके गया। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे कंसोलिडेट किया और अब उस लेवल को ब्रेक करके जा रहा है, 372 के आसपास ये आ गया है। तो जो हमें कप की लगभग डेप्थ मिलती है वो डेप्थ कितनी है ये हम देख सकते हैं कि इसमें हमको अच्छा खासा रेंज देखने को मिलेगा। अगर मैं कप की रेंज देखूँ तो कप की रेंज कितनी निकल के आती है, ये मिलता है मुझे लगभग 275% 275% का रिटर्न है, 275% रिटर्न अभी नहीं मिलेगा। वो पीरियड कितना है हमें वो देखना है, ये पीरियड लगभग हमको मिला है, ये हमको मिला है 5 फरवरी 2018 से लेके 2023 तक। तो यानी नेक्स्ट 5 ईयर के लिए
लगभग लगभग इसमें 275% का रिटर्न बन सकता है कप एंड हैंडल का ब्रेकडाउन, और जो मैंने पिछली चार्ट से मंथली बेसिस पे दिखाई थी उसके बेसिस पे भी हमको एक अच्छा अप मूव कैनरा बैंक में देखने को मिल सकता है। अब अगर मैं 275% यहाँ करंट से निकालूं कि कहाँ तक जाता है 275%, हमें क्या वैल्यू निकल के आती है, तो थोड़ा चार्ट और मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। मैं इसको 275% पे निकालते हैं तो इसकी वैल्यू लगभग निकल के आती है 1400 निकल के आता है, जो कि अगले 5 साल का टारगेट है। तो मैं इतना लंबा 5 साल का टारगेट तो नहीं बता सकता हूँ कि क्या होगा, बट इसमें एक अच्छा मूव अगले 2-3 साल के लिए देखने को मिल सकता है, जो लगभग यहाँ से इसको 50-60% या 100% पैसे को डबल करने की भी पूरी जो ये रखता है, दम रखता है। उसके रीज़न क्या है? सिर्फ टेक्निकल नहीं है जो ये रीज़न है कि बताता है कि ये इतना जाएगा, जो मैंने फंडामेंटल इसके बताए हैं, फंडामेंटल के बेसिस पे कैनरा बैंक एक अच्छा बैंक है, जो कि PSU सेक्टर में, PSU बैंकिंग सेक्टर में, अगर आप प्राइवेट बैंकिंग के अलावा किसी और बैंक में जाने की बात करते हैं SBI को छोड़ के, तो कैनरा बैंक एक अच्छा सेक्टर है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग दिखता है, उसमें एक अच्छा इन्वेस्टमेंट की जो अप्रोच करी जा सकती है, प्रोवाइडेड कि आपने इसमें अच्छी एनालिसिस करी हो। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे कैनरा बैंक एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अप्रोच हो सकती है, फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से कैनरा बैंक एक अच्छा प्लेस दिखता है। इमीडिएट इसमें कोई इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करा हुआ है, मैं आपको कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट की एडवाइस भी नहीं दे रहा हूँ, ये सिर्फ नॉलेज पर्पस कह रहे हैं। आप इसको एनालिसिस करिए, समझिए, चार्ट पढ़िए, इसके जो रिजल्ट हैं उसके एनुअल रिपोर्ट निकालिए, उनको पढ़िए, आपको पता चलेगा कि ये कमेंट्री क्या है मैनेजमेंट की, वो आगे बैंक को कैसे देखना चाहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये समझ में आया होगा। ऐसे ही डिटेल अप्रोच वीडियो मैं बनाने वाला हूँ और भी प्राइवेट सेक्टर जो कंपनीज हैं उनको लेके। रिसेंटली मैंने PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में काफ़ी रिसर्च करी है, उस पर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, ऐसे ही और वीडियो बनाऊँगा। आप लोग को सिर्फ एक काम करना है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे और मुझे भी कुछ हौसला मिलता रहेगा ऐसे ऐसे और वीडियो नॉलेज शेयरिंग वीडियोस बनाने के लिए। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।